पार्टनर प्रोग्राम में जाने का किसको मन नहीं करता है। लाइक आपको ही मन करता होगा पार्टनर प्रोग्राम में जाने का। आप भी सोचते हो कि काश मेरा भी यूट्यूब चैनल होता और हम भी ग्रो कर देते और मेरे को पार्टनर प्रोग्राम में ले लेते। गाइस देखो, यहाँ पे सब लोगों को मन करता है पार्टनर प्रोग्राम में जाने का, ठीक है। लेकिन गाइस आज मैं आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक लेके आया हूँ आप लोग के लिए, जिससे आप लोग विदाउट एनी यूट्यूब चैनल के आप लोग जा सकते हो पार्टनर प्रोग्राम में। यस गाइस, आप लोग को वी बैच मिलेगा, वो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो कि एक पार्टनर प्रोग्राम के बंदे को मिलता है। और अगर मैं आप लोग से पूछूं कि पार्टनर प्रोग्राम में बेनिफिट्स क्या मिलता है, तो आप लोग बोलोगे वी बैच मिलता है, डायमंड्स मिलते हैं, कस्टम मिलते हैं, बस। लेकिन गाइस आज मैं आप लोग को पूरा खुलासा करने वाला हूं, जो आप लोग बिल्कुल जो आज तक कोई नहीं बताया वो मैं आप लोग को बताने वाला। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये मेरे चैनल का सबसे अच्छा वीडियो होने वाला है। तो मेरे भाई प्लीज़ आज की वीडियो का लाइक है भाई लो 100 का। आई डोंट नो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बट गाइस आप लोग अगर चाहो तो कर सकते हो मेरे भाई। प्लीज़ गाइस लाइक कर देना, एंड अगर अभी तक आपने हमारे फैमिली में अपने मेंबर बनने का योगदान नहीं दिया तो प्लीज़ मेरे भाई लोग आप लोग फैमिली में मेंबर बन जाओ, सब्सक्राइब करो एक साथ, ठीक है। एंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टॉप 5 नंबर पे हम बात करने वाले हैं कि आखिर पार्टनर प्रोग्राम में अभी बंदे कितने हैं, ठीक है। तो गाइस मैं आप लोग से बता दूं, अभी के समय पे पार्टनर प्रोग्राम में टोटल 170 मतलब कि 170 बंदे हैं, ठीक है। टोटल 170 बंदे हैं। एंड गाइस आप लोग से बता दूं, देखो यहाँ पे 170 बंदे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे इंडियन रीजन में 170 ही यूट्यूबर है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे गाइस कितने यूट्यूबर के पास वी बैच नहीं है, कितने यूट्यूबर पार्टनर प्रोग्राम में नहीं है। एंड गाइस वी बैच उनके पास भी होता है जो यूट्यूबर नहीं होता है या फिर वो पार्टनर प्रोग्राम नहीं होते, उनके पास भी वीबैच होता है। वो कैसे होता है तो आप लोग वीडियो के एंड तक देखते रहना, मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। अभी के समय पे जितने भी पार्टनर प्रोग्राम के यूट्यूबर हैं, मतलब कि 170 यूट्यूबर, वो सिर्फ इंडिया के नहीं है, वो उसमें से गाइस आधे बांग्लादेश के भी हैं और आधे इंडिया के भी हैं, ठीक है। ज्यादातर इंडिया के हैं, बाकी बांग्लादेश के भी हैं, ठीक है, सिर्फ इंडिया के नहीं बोल सकते अपन। 4th नंबर पे हम लोग बात करने वाले हैं फ्री फायर के सबसे बड़े क्रिएटर टोटल गेमिंग एंड उसके बाद ज्ञान गेमिंग के पास आखिर वी बैच क्यों नहीं है, मतलब कि वो इतने बड़े क्रिएटर होने के बाद उनके पास वी बैच नहीं है। यहाँ पे सबके पास अभी के समय में वी बैच है, कुछ कुछ यूट्यूबर्स के पास नहीं है, लेकिन गाइस सोचो इतने बड़े क्रिएटर्स के पास वी बैच क्यों नहीं है। इसका आंसर है कि वो पार्टनर प्रोग्राम में नहीं है। यस गाइस वो पार्टनर प्रोग्राम में नहीं है, लेकिन उनको सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि एक पार्टनर प्रोग्राम के यूट्यूबर को मिलता है, एंड गाइस उससे ज़्यादा ही मिलते हैं। लेकिन गाइस मैं आप लोग को बताता हूँ आखिर क्यों मिलता है उनको सारे बेनिफिट्स जो कि पार्टनर प्रोग्राम के यूट्यूबर को मिलता है। इसके पीछे का रीजन है भाई लोग, वो देखो वो फ्री फायर के लिए काम कर रहे हैं, और सोचो भाई लोग कोई इतना बड़ा क्रिएटर कोई फ्री फायर के लिए काम करेगा तो फ्री फायर उसको कुछ देगा नहीं, ऑफ कोर्स मिलेगा। एंड गाइस जितने भी पार्टनर प्रोग्राम के यूट्यूबर का ग्रुप है, मतलब कि हम लोग के ग्रुप में टोटल गेमिंग एंड ज्ञान गेमिंग को छोड़ करके सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि पार्टनर प्रोग्राम में है, वो सब ज्ञान गेमिंग एंड टोटल गेमिंग को वो सारे आइटम्स मिलते हैं जो कि एक पार्टनर प्रोग्राम के यूट्यूबर को मिलते हैं, लेकिन गाइस वी बैच को छोड़ करके, क्योंकि गाइस वी बैच सिर्फ उसी को मिलता है जो पार्टनर प्रोग्राम में होता है, ठीक है। लेकिन गाइस यहाँ पे इनको सिर्फ वी बैच को छोड़ करके सारे वो आइटम्स मिलते हैं जो कि पार्टनर प्रोग्राम के यूट्यूबर को मिलते हैं, बस। अगर ये चाहे तो गरीना से डायमंड्स भी मांग सकते हैं, ये कितना मांगेंगे ये तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन गाइस ये मांग सकते हैं, ठीक है। क्या ये यूट्यूबर्स, मतलब कि जितने भी पार्टनर प्रोग्राम के यूट्यूबर्स हैं, वो तुरंत आईडी को अनबैन करा सकते हैं? इसके पीछे का आंसर है नहीं, वो गाइस तुरंत अनबैन तो नहीं करा सकते हैं, लेकिन हाँ उसका तुरंत सुनवाई कर सकते हैं। लाइक मतलब उनको भेज के मॉडरेटर के पास किसको चेक करने के लिए वो भेज सकते हैं, ठीक है, ताकि वो जल्दी से जल्दी चेक हो सकता है एंड जल्दी से अनबैन भी हो सकता है। लेकिन गाइस वो तुरंत अनबैन नहीं करवा सकते हैं, हाँ वो जल्दी से दे सकते हैं ताकि वो जल्दी जल्दी अनबैन हो जाए। टॉप 3 नंबर पे हम लोग बात करने वाले हैं भाई लोग कि क्या हम लोग वी बैच को हम लोग निकाल सकते हैं खुद से। तो भाई लोग इसका आंसर है नहीं, हम लोग कभी भी वी बैच को खुद से नहीं निकाल सकते हैं। अगर आप लोग सोचते होंगे भाई लोग कि वी बैच उस पिन की तरह होता है, जैसे कि एक पिन आता है हम लोग के गेम के अंदर और हम लोग को बहुत ऐसा ऐसा सामान देखने को मिलता है जो छोटा छोटा वी बैच की तरह होता है, लेकिन वी बैच हल्का अवतार के ऊपर लगता है और जो पिन होता है वो हल्का नीचे लगता है। एंड गाइस देखो वो पिन अगर आप लोग सोचते हैं उसको जैसे हम लोग हटा सकते हैं लगा सकते हैं, उसी तरह हम लोग वी बैच को भी कर सकते हैं, तो इसका आंसर है नहीं भाई लोग। वी बैच एकदम बिल्कुल परफेक्ट एक जगह बैठ जाता है जो कि हम लोग नहीं लगाते हैं, वो खुद गरीना का कोई मॉडरेटर हम लोग को ऑटोमेटिक हम लोग के अकाउंट में लगा के दे देता है, ठीक है, हम लोग को कुछ करना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक लग जाता है। बात रही वी बैच रिमूव होने की, तो भाई लोग इसका आंसर है देखो हम लोग रिमूव नहीं कर सकते हैं, वो रिमूव करेगा तो गरीना ही करेगा। लेकिन गाइस अगर मैं बात करूँ कुछ पार्टनर प्रोग्राम के यूट्यूबर्स के बारे में जो कि पार्टनर प्रोग्राम से निकल चुके हैं बट फिर भी उनके अकाउंट में वी बैच अभी भी है, हो सकता है भाई लोग कि गरीना ध्यान ना देता हो या फिर गरीना भी हटा ना पाया हो, आने वाले समय पर जब उनको पता चलेगा कि ये यूट्यूबर पार्टनर प्रोग्राम से निकल चुका है फिर उसको वी बैच रिमूव भी हो जाएगा उनका, ठीक है। लेकिन गाइस अभी के समय पर कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि पार्टनर प्रोग्राम से निकल
चुके हैं, बट फिर भी उनके अकाउंट में वी बैच है, ठीक है। सो भाई लो, आप लोग यहाँ तक देख रहे हो तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो एक साथ लाइक कर देना, क्योंकि भाई लो इस वीडियो का लाइक टारगेट 100K का, तो प्लीज भाई लो एक साथ लाइक दबा देना। एंड अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चाचा क्या कर रहे हो, एक साथ दबा डालो उसको, ठीक है। एंड गाइस मेरे भाई प्लीज़ आप लोग अगर मेरे सेकंड चैनल में सब्सक्राइब नहीं किए तो याद से कर लेना, क्योंकि भाई लोग उसमें हम लोग 100K के बहुत ज़्यादा क्लोज है, आप लोग देख सकते हो। तो भाई लोग प्लीज़ जाके एक बार सब्सक्राइब कर लेना, लिंक सबसे पहला आपको उसी का मिलेगा। जाना सब्सक्राइब करना, आपका वीडियो कट नहीं होगा, ठीक है, बस सब्सक्राइब कर देना, ओके। टॉप 2 नंबर पे आता है भाई लोग कि अगर वी बैच सबके पास होता तो फिर क्या होता है। मतलब कि भाई लोग ये चीज़ आप लोग जरूर सोचे होंगे कि वी बैच काश मेरे पास भी होता, ये चीज़ सबको पसंद आता है एंड गाइस सबको लेने का मन करता है। लेकिन गाइस एक बार सोचो कि ये वी बैच अगर सबके पास होता तो फिर क्या होता है, ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाता। लाइक अगर आप लोग को वी बैच मिलता सबके पास होता भाई लोग, तो ये भी हम लोग को एक पिन की तरह मिलता, ठीक है, कि आप लोग इसको इक्विप कर सकते हो, अनइक्विप कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि ऑल दूसरा पिन होता है उस तरह ही ये आता, ठीक है। एंड ये सबके पास होता है एंड गाइस ये नॉर्मल होता है, जैसे कि ये पिन हम लोग को सिंपल पिन मिलता है ना नॉर्मली में, उसी तरह भाई लोग इसको भी हम लोग देखते हैं एंड इसका भी कोई इतना भी इज्जत नहीं होता। लेकिन गाइस ये सिर्फ और सिर्फ यूट्यूबर्स के लिए बना था एंड कुछ दिन पहले ही इसका एक एक्सीडेंट हो गया था वी बैच का, ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं, हो सकता आप लोग को पता हो। लेकिन गाइस जिसको नहीं पता मैं आप लोग से बता दूं, वी बैच का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जो कि एक टूर्नामेंट प्लेयर के साथ हुआ था। अगर उन लोग टूर्नामेंट खेलने जाते हैं, ठीक है, कोई सा भी टूर्नामेंट, तो भाई लोग उसके अंदर उन लोग को वी बैच मिलता था, लाइक मतलब कुछ देर के लिए मिलता था लेकिन मिलता था, ठीक है। बात की जाए बेनिफिट की जो कि पार्टनर प्रोग्राम के यूट्यूबर्स को मिलती है, आप लोग सोचते हो कि भाई लोग कि उनको बंडल मिलता होगा, हिप हॉप बंडल मिलता होगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। एंड गाइस एक बात की बात है गाइस, मैं ऐसे गेम खेला था, मेरे में रैंडम प्लेयर आया था, ध्यान से सुना, वो गाइस मेरे से बोल रहा था कि भाई आपके पास वी बैच है, आपको तो हिप हॉप बंडल क्रिमिनल बंडल मिलता होगा। भाई मैं बोला कि क्या भाई क्या, मतलब सीरियसली ऐसा नहीं होता है भाई लोग, मतलब कि कोई भी बंडल या वगैरह नहीं मिलता है, मिलता है बट हम लोग के इंडियन सर्वर पर नहीं मिलता है, वो मिलता है पाकिस्तान सर्वर पर। एंड गाइस आप लोग पाकिस्तान सर्वर पर आप लोग कम से कम सब्सक्राइबर पे भी आप लोग पार्टनर प्रोग्राम में जा सकते हो, ठीक है। टॉप 1 पे जो आता है भाई लोग, जिसका आप लोग अभी तक इंतजार कर रहे थे भाई लोग कि आप लोग पार्टनर प्रोग्राम में कैसे जा सकते हो, आप लोग को वी बैच कैसे मिल सकता है, तो भाई लोग इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। देखो अगर आप लोग सोच रहे हो भाई लोग कि आप लोग को एक यूट्यूबर बनने की जरूरत है, आप लोग को भी लाखों में सब्सक्राइबर चाहिए या फिर पार्टनर प्रोग्राम में जाने के लिए, तो ये आपकी गलतफहमी है, ऐसी कुछ भी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भाई लोग होता क्या है, अगर आप लोग यूट्यूबर नहीं हो, आप लोग यूट्यूब में कुछ नहीं कर पाए, बट कोई बात नहीं, आप लोग को जाना है भाई लोग फेसबुक पे लाइव करना है या फिर आप लोग बुइया एप्लीकेशन पे लाइव करना, मतलब कि आप लोग को एक अचीवमेंट चाहिए कहीं ना कहीं पे, ठीक है, फेसबुक पे बुइया पे या फिर किसी अदर एप्लीकेशन में आप लोग को अच्छी तरीके से किसी ना किसी चीज़ की आपको मतलब अचीवमेंट होनी चाहिए, ठीक है, जिससे आप लोग पार्टनर प्रोग्राम में जा सकते हो। लेकिन गाइस बात की जाए पार्टनर प्रोग्राम में जाने की, तो भाई लोग देखो यहाँ पे अभी के समय पे एंट्री बंद है, बट गाइस यहाँ पे साल भर पे एक बार जरूर किसी ना किसी यूट्यूबर्स को लिया जाता है या फिर कुछ यूट्यूबर्स को लिया जाता है या फिर नहीं लिया जाता है, मतलब कि साल भर 6 महीने पे एक बार जरूर खुलता है पार्टनर प्रोग्राम। अगर आप लोग फेसबुक पे ही लाइव करते हो एंड फेसबुक पे भी आप लोग का मतलब कि 1 लाख प्लस फॉलोअर्स हो जाता है या फिर 1.5 लाख फॉलोअर्स हो जाते हैं, तो भाई लोग उससे भी आप लोग पार्टनर प्रोग्राम में जा सकते हो, उससे भी आप लोग वी बैच ले सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। एंड गाइस बस ये रीज़न है कि आप लोग विथआउट यूट्यूब चैनल के भी आप लोग जा सकते हो पार्टनर प्रोग्राम के अंदर, ठीक है भाई लोग। तो भाई लो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। एंड गाइस देखो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बाय बाय, ध्यान रखना अपना और मैं भी, बाय बाय, आई लव यू ऑल। Thank you.